नमस्कार, मैं हूं इंद्रदमन तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। और आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लखनऊ विश्वविद्यालय LLB ऑनर्स प्रवेश को लेकर के। और चूंकि विश्वविद्यालय ने अभी आंसर की जारी कर दी है और आप सभी लोग जो कि LLB ऑनर्स 2021 बैच के लिए एप्लीकेंट थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन सभी ने अपना आंसर की से अपना खुद को इवेल्युएट कर लिया होगा, खुद को चेक कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपके लगभग कितने सवाल सही हैं और कितना स्कोर आप सभी कर रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम LLB ऑनर्स के बहुत सारे चीज़ों के विषय में बात करेंगे, रिजर्वेशन को लेकर के, सीट्स को लेकर के, फीस को लेकर के, और क्या प्रोबेबल है, कट ऑफ कितनी है, कितनी जानी है, उसकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो सूचना दी गई है, घोषित किया गया है, उसको जान लीजिए। यदि दो लोग हैं, दो लोगों के समान अंक हैं, मान लीजिए दो लोग हैं उनके 80-80 अंक हैं, तो यहाँ पर वरीयता किसको मिलेगी? तो ऐसे में वरीयता मिलेगी उसको जिसके 12th में नंबर ज़्यादा हैं, जिसके 12th में नंबर ज़्यादा है। अब यदि मान लेते हैं कि दो लोग हैं जिनके 12th में भी 80% और 80% नंबर हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा 10th में किसको नंबर ज़्यादा मिला है। और अगर ये चीज़ 10th में भी समान है, 10th में भी समान है या बराबर है, तो देखा जाएगा कि एज किसकी ज़्यादा है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो राइटिंग के लिए क्षमा कीजिएगा। एज किसकी ज़्यादा है, जिसको जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बात करेंगे अगर रिजर्वेशन की, कितनी सीटों का रिजर्वेशन या कितने परसेंटेज का रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो कैटेगरी और दूसरा सब कैटेगरी। और जब इस कैटेगरी और सब कैटेगरी को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक कैटेगरी और दूसरा है सब कैटेगरी। कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो OBC, SC, ST, EWS ये कैटेगरीज हैं। और अगर सब कैटेगरी की हम बात कर लें तो OS यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, पहली जो सब कैटेगरी है वो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की। दूसरी जो सब कैटेगरी है वो है फ्रीडम फाइटर। यदि आपने अपनी ये सब कैटेगरी भरी है, फ्रीडम फाइटर भरी है, तो वो आपको वहाँ से कुछ रिजर्वेशन मिलने की, वहाँ से आपको कुछ वेटेज मिलने की आपको उम्मीद है। फ्रीडम फाइटर के बाद तीसरा जो है वो है डिफेंस पर्सनल, चौथा जो है वो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यदि आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में एम्प्लॉय के किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और लास्ट है कॉलेज टीचर्स वार्ड। यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी कॉलेज में किसी टीचर के पुत्र पुत्री हैं, तो आपको आरक्षण की जो व्यवस्था है वो मिलती है। कैटेगरी और रिजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की जानकारी आपको मैं बता दूँ। जो आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं वो OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EWS हो गया, इसको लेकर के एक सूचना है। और इस सूचना की बात की जाए, और इसके साथ यहाँ पे कैटेगरी में एक कैटेगरी दो कैटेगरी और हैं, एक तो NCC B सर्टिफिकेट और एक है गर्ल्स का वेटेज, लड़कियों को मिलने वाला खास वेटेज और NCC का B सर्टिफिकेट। अब इसमें से किनको क्या मिलना है उसकी बात मैं कर लूँ। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है
यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपकी जो कंबाइंड मेरिट होगी उसमें 5% ये ऐड हो जाएगा। ये जो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है ये आपको 5% का वेटेज और दे देगा। अगर आप गर्ल्स हैं, गर्ल लड़की हैं, और ये लड़की होने की वजह से जो वेटेज है वो आपकी कंबाइंड मेरिट में जो आपको प्राप्तांक होगा, जो आपको नंबर मिला होगा उसमें ये चीज़ 2.5, उसमें आपको ये 5% का वेटेज मिल जाएगा। ये आपको प्लस 5% कर देगा अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो। इसके साथ अगर बात करें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की, तो यहाँ पर भी आपका 5% का प्लस हो जाता है। अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का कोई कार्ड है, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है। उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि किस डेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं, एससी सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं, एसटी सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाना चाहते हैं, तो वो इन सारे के लिए 1 जुलाई 2018 के बाद का ही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का, एससी का, एसटी का, वो सर्टिफिकेट आपका 1 जुलाई 2018 के बाद का ही होना चाहिए। अब अगर हम बात कर लें सीटों की, अगर हम बात कर लें जो टोटल सीट्स हैं और टोटल सीट्स को कैसे कैटेगरीवाइज अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम उसकी बात कर लें, तो जो रिजर्वेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिला हुआ है, जातिगत जो आरक्षण मिलता है उसकी अगर हम बात कर लें, तो कुल सीटें हैं, टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 160, 160 सीटें हैं। और इस 160 सीटों में जो विश्वविद्यालय रिजर्वेशन देता है, उस रिजर्वेशन की अगर हम बात कर लें, तो इस 160 सीट्स का 27% जो कि होता है 43.2, इसको 44 मान सकते हैं। ये चीज ओबीसी के लिए, ओबीसी को ये 27% का रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी को इस 160 सीट्स में टोटल 21% का जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है उसके हिसाब से देखें तो ये होता है 33.6%, मीन्स 34 सीट्स जो कि एस सीज के लिए है। मीन्स 160 सीट में एस सीज की बात करें, जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं उनकी बात करें, तो ये 160 सीट्स का जो 21% है, 21% का जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला है उसके हिसाब से 33.6, मीन्स 34 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए। बात अगर करें शेड्यूल ट्राइब्स की, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 सीट्स में जो रिजर्वेशन है वो है 2% का, यानी 3.2 टोटल का, और ये 3.2 का मतलब हुआ लगभग 4 सीट्स। कुल मिलाकर के ये 82 होता है, 82 सीट्स आउट ऑफ 160। 160 सीटों में से, टोटल 160 सीट्स में से 82 जो है वो रिजर्व है किनके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। बात करें ईडब्ल्यूएस की, बात अगर ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 160 का, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 का 10% मीन्स 16 सीट्स, मीन्स 16 सीट्स। तो यहाँ पे हम ये चीज़ जोड़ सकते हैं लास्ट में कि प्लस 16 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी तक जो मैंने बात कही उसके अनुसार ये है कि यदि जो आपका एंट्रेंस हुआ है उसमें अगर आपका दो लोग का इक्वल स्कोर आ जाता है, लाइक 80-80, तो आपके 12th के मार्क को कंसीडर किया जाएगा। और 12th का मार्क भी अगर आपका दो लोग का सेम हो जाता है तो आपके 10th के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर 10th के मार्क्स भी सेम हैं तो जिनकी भी एज ज़्यादा है, जो भी सीनियर हैं ज़्यादा हैं, उनकी बात की जाएगी, उनको वरीयता मिलेगी, उनको तरजीह दी जाएगी। बात
बात अगर रिजर्वेशन की करें, किन किन आधारों पर सीटों का रिजर्वेशन है, तो सीटों का रिजर्वेशन इन आधारों पर है। एक तो कैटेगरी वाइज है, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को, ये कैटेगरी वाइज है। और कैटेगरी वाइज की बात अगर हम बात करें सब कैटेगरीज की, तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को 5% का वेटेज मिलना है, 5% का वेटेज ऐड हो जाता है। ये जो फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सनल, यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज के पुत्र पुत्रियां या कॉलेज टीचर्स के पुत्र पुत्रियां, ये सारे जो रिजर्वेशन है ये विश्वविद्यालय के डिस्क्रिशन पर है, विवेक पर है, विवेक बोले या डिस्क्रिशन बोले, राइटिंग खराब है मेरी, उसके लिए मैं दोबारा माफी मांगता हूँ। और उसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपका 5% का वेटेज आपको ऐड हो जाएगा, या आपके अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपका 5% का वेटेज ऐड हो जाएगा। टोटल सीट्स में आपकी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं अगर इसकी बात करें तो 160 सीट्स टोटल हैं, जिसमें 27% ओबीसीज का है, मींस 43.2 अप्रॉक्स 44 बोलेंगे इसको, 160 सीट्स का 21% शेड्यूल कास्ट के लिए है जो कि होता है 34 सीट्स, 160 सीट्स का 2% एसटीज के लिए है, 160 का 2% एसटीज के लिए है जो होता है 4, और लगभग आधी सीटें रिजर्व होती हैं, आपको खुद पहले से पता होगा। तो ये 82 होता है, 80 या 82 होता है, 160 का 82 कैटेगरीज इन कैटेगरीज के लिए है, प्लस 16 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये सारी बातें हो गई टोटल सीट्स की और रिजर्वेशन की। अभी हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। अच्छा, कट ऑफ के पहले एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं इनको इनको इशू कौन करेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट जो भी है लाइक स्पोर्ट्समैन का है या एनसीसी का है, तो वो कहाँ से आपको लेकर के आना है, किसके दस्तखत मोहर से वो चीज़ें होनी है। जैसे अगर आपका आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट है, आपके पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट है, जैसे आपने कोई नेशनल लेवल पर गेम खेला है या स्टेट लेवल पर गेम खेला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी गेम खेला है, तो जो भी सक्षम अधिकारी उसको करते हैं, सक्षम अधिकारी का मतलब जो भी अथॉरिटी है, दूसरा अगर एनसीसी की बात करें तो आपने जहां से एनसीसी किया होगा वो वहां से जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो उसको जारी करते हैं। और एक जुलाई 2018 के बाद का आपका ये ओबीसी का, जैसे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है या एससी का सर्टिफिकेट है, उस वो 1 जुलाई 2018 के बाद का ही होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप की बात भी कर लें, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं इनके लिए 5% का रिजर्वेशन है, वो प्लस आपको ऐड हो जाता है आपके टोटल मेरिट में। फ्रीडम फाइटर की जो हमने बात की थी, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है तो फ्रीडम फाइटर का 2% आपका ऐड हो जाता है आपकी आपकी मेरिट में, बाकी इनकम सर्टिफिकेट अगर यदि आपको लाना है, इनकम सर्टिफिकेट यदि आप लाना चाहते हैं, अगर आपको जीरो फीस वगैरह का लाभ लेना है, तो वह इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 महीने के विदिन बना होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जो सबसे मुख्य चीज है जिसके लिए हम सभी यहां पर हैं, कट ऑफ की, कट ऑफ की बात अगर हम करें तो पेपर्स को सही कर, आपका जो एलएलबी ऑनर्स का एंट्रेंस हुआ था वो उसमें आपके टोटल 100 सवाल थे 2 नंबरों के, यानी 200 नंबर का टोटल हुआ था।
100 सवाल थे आपके, 2 नंबरों के सवाल थे, जिसमें 2 नंबर का 100 सवाल थे 2 नंबरों के, 200 नंबर आपका टोटल था। और एग्ज़ाम होने के बाद जब आंसर की विश्वविद्यालय ने जारी की तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, और उस आंसर कीज का अध्ययन किया गया, और कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है इस चीज़ का अध्ययन किया गया, और काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, जिस तरीके से लोगों ने पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बताया, उस डिफ़िकल्टी लेवल को अगर देखा जाए और लोगों की बातचीत को सुना जाए, तो जो एक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया है, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में कोविड की वजह से मेरिट पे एडमिशन हो गया था, और मेरिट पे एडमिशन होने की वजह से LLB ऑनर्स के लास्ट ईयर की कोई ऐसी मेरिट का अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि इस बार जो लोगों से बात हुई है और जैसा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है उसको लेकर के अगर हम बात करें, तो एक आंकड़ा है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी, तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात कर लें, तो ये उम्मीद है, जनरल की बात करें तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके इस 100 सवालों में से 80 सवाल सही हैं, मींस लगभग 160, और उसको थोड़ा सा अगर रिलैक्स करें तो 155 से 160 जो है ये आपका जो स्कोर है, इसको एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। बाकी यदि 160 प्लस हैं आप, तो आपका एक तरीके से मैं कहूँ तो आपका एडमिशन काफ़ी श्योर है, मैं कहूँ आपका लगभग पक्का एडमिशन मान सकते हैं। जनरल कैंडिडेट की के लिए 80 सवाल 160 नंबर, और अगर 160 से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल 10 सेफ जोन में हैं। बात करें अगर ओबीसी कैंडिडेट के लिए LLB ऑनर्स की अगर कट ऑफ की बात करें, तो यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं आप, अपने 70 सवाल सही किए हैं, आपका लगभग 140 मार्क्स आ रहा है, या 140 मार्क्स आ रहा है, या आप 135 से 140 के बीच में हो, तो आप सेफ जोन में हो। आप ओबीसी कैंडिडेट हो और 140 के प्लस हो, तो आप अपना एडमिशन एक तरीके से पक्का समझिए। बात कर लें EWS कैंडिडेट की, जो EWS कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ बराबर जाने की उम्मीद है, मींस EWS कैंडिडेट को भी 140 के आसपास ही रहना है। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है और आप 140 के आसपास हो, तो आपका जो एडमिशन है वो काफ़ी हद तक समझ लीजिए कि प्रवेश आपका सुनिश्चित है। EWS के बाद यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स की, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट यदि आप हैं, तो आपके लिए कम से कम 60 सवालों का सही होना और 120 नंबर का होना, और इस 120 को थोड़ा रिलैक्स करके 110 to 120 कह सकते हैं। तो यदि आप शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं और आपके पास 120 नंबर हैं या 120 प्लस हैं, तो आपका एडमिशन सुनिश्चित है। बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है, कैंडिडेट ही नहीं आते अक्सर, लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो आपका लगभग 55 सवाल सही होना ज़रूरी है, 110 नंबर्स या 100 to 110 होना आपका। प्लस में अगर आप हैं, ST कैंडिडेट हैं, 110 से प्लस हैं, तो आपका एडमिशन बिल्कुल होना तय है। बाकी अगर आप इसके पास में हैं या इसके बीच में हैं, तो आपका होना तय है। जनरल OBC EWS SC ST जो भी है, एक खास बात कर लें गर्ल्स की। अगर गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स को 5% का वेटेज मिलता है, 5% का ये वेटेज मिलेगा, और 5% का वेटेज मिलने का मतलब ये है कि आप जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने नंबर में, मान लीजिए आपका X नंबर है, तो आपका प्लस 5% ऐड हो जाना है। आप लड़कों से 5% आपके नंबर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो आप कट ऑफ से जिस कैटेगरी के आप हो उसमें आप -5% कर लो, गर्ल्स का कट ऑफ ये जाने की उम्मीद है।
तो एक बार फिर से बात दोहरा दें, तो जो फिजिकली हैंडीकैप की बात की गई थी, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास 5% का आपको रिजर्व 5% का आपको एडवांटेज मिलता है। फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो आपको 2% का एडवांटेज मिलता है। अगर आपके पास अगर और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। बात अगर कट ऑफ की करें और कट ऑफ में जो 100 सवाल दो नंबरों के आए थे, 200 नंबर का टोटल आया था, उसकी अगर बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 80 सवाल का मतलब आपको 160 नंबर लाने हैं। और 160 नंबर लाने का मतलब ये है कि चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको वो छोड़ भी देते हैं, उनको वो छोड़ एडमिशन नहीं करवाते, काउंसलिंग नहीं करवाते, तो उस वजह से कुछ सीटें बच जाती हैं। और उन सीटों के बचने का ही मतलब ये है कि मैंने जो ये 160 को 155 टू 160 बोल दिया है। बात अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की करें तो आपके 70 सवालों का सही होना ज़रूरी है। और जो आपका ये नंबर की बात करें तो 170 सवाल मतलब 140 नंबर या 135 टू 140 अगर आप हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप 140 प्लस हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हैं। बात अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो ओबीसी के नियर अबाउट ही होगी। और 70 सवाल आपके भी 140 नंबर भी और 135 टू 140 आपको भी ईडब्ल्यूएस को भी यहीं पे रहना है। और ईडब्ल्यूएस का भी अगर 140 के ऊपर है तो बहुत ही सेफ चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बात अगर एससी कैंडिडेट की कर लें तो आपके भी 60 सवाल सही होने ज़रूरी है और लगभग 120 के करीब नंबर लाने हैं आपको। और 110 टू 120 के बीच में ये आंकड़ा जा सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 120 के ऊपर अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है तो वो बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ जोन में है, उसका एडमिशन होना तय है। बात अगर एसटी कैंडिडेट कर लें तो 55 सवालों का सही होना, 110 नंबर हासिल करना, या 100 से अगर 110 के बीच में है तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। और गर्ल्स की मैंने जो बात कही, गर्ल्स को 5% का वेटेज मिलता है, लड़कियों को 5% का ये वेटेज मिलता है और 5% का वेटेज ये आपकी मेरिट में ऐड हो जाएगा। मींस आपको 5% एडवांटेज मिलेगा गर्ल्स कैंडिडेट होने के नाते। और सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सवाल होते हैं कि सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट को लेकर के आप एक चीज़ को तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो सर्टिफिकेट आपका हो वो 1 जुलाई 2018 के बाद का हो। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जुलाई 2018 के बाद का हो। और जो भी आपका सर्टिफिकेट हो वो सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जारी किया हो, किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा जारी किया ना हो जो कि सक्षम अधिकारी नहीं माना जाता है। बात फीस की कर लें, फीस की अगर बात कर लें तो ये आपका 26,580 रुपये आपका जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना होता है। LU, LLB, ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लड़कों के लिए बात है कि आपको 26,580 रुपये जो है वो आपको पहले बार में जमा करना होते हैं। और अगले सेमेस्टर से आपको यही फीस 25,580 रुपये जो रेस्ट 9 सेमेस्टर हैं उसके लिए जमा करनी होती है 9 सेमेस्टरों तक। ये जो आपका 1,000 एक्स्ट्रा है ये आपका एनरोलमेंट फीस है। और ये आपका जो 1,000 एनरोलमेंट फीस है वो आपका चूंकि पहली बार में ही लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगता है, उसके बाद ये फीस आपकी नहीं लगती है। तो सीट्स का मैंने बताया, कट ऑफ के बारे में हमने चर्चा की, जनरल की बात हुई, ईडब्ल्यूएस की बात हुई, ओबीसी की बात हुई, एससी की बात हुई, एसटी की बात हुई, इन सारी चीज़ों की बात हुई। और यदि बात करें तो जो जाति और आय प्रमाण पत्र है उसको सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जाएगा। और जो भी किसी ऑनलाइन प्रवेश के दौरान जो भी फीस जमा होगी, कोई भी फीस जो है डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रिफंड किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है। किसी भी प्रकार से जो आपकी फ़ीस ऐसी वाली जमा होगी वो बाद में आपको वापस नहीं होगी। तो आप अपनी सोच समझ के, आप अपना नाम देख करके, जब काउंसलिंग का पोर्टल खोले तो अपना नाम देख करके आप अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल करके अपनी चीज़ों को चेक करके और अपनी फ़ीस जमा करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दे रहे हैं तो आप किसी और की फ़ीस जमा कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में आपको फिर तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ जो
किसने कौन सा अधिकारी जारी करता है। तो यदि आप फ्रीडम फाइटर का लेकर यदि आप फ्रीडम फाइटर का लेकर के आ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर का वेरिफिकेशन लेकर के आ रहे हैं, कोटा लेकर के रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं, तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उसको प्रमाणित करना जरूरी है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी होना। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप का लेकर के आ रहे हैं तो जनपद के सीएमओ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है। बाकी शेड्यूल कास्ट ओबीसी का और शेड्यूल ट्राइब्स का या इनकम सर्टिफिकेट का, ये सब जो भी आय प्रमाण पत्र है वो वेबसाइट से प्रमाणित किया जाएगा, सरकारी वेबसाइट से, और जो भी सक्षम सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये चीज़ जारी होनी चाहिए। बाकी यदि आप विश्वविद्यालय के संबंध किसी महाविद्यालय के शिक्षक के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो वो चीज़ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है, उनके द्वारा जारी की जानी आवश्यक है। बाकी फीस की हमने बात कर ही ली है, तो ये सूचना थी लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स के सभी जो भी लोग हैं उनके लिए। आप सभी लोगों ने अपना आंसर किससे अपनी चीज़ें मिला ली होंगी, और यदि आप इस स्कोर के अंदर हैं तो अच्छी बात है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें अभी कुछ घट पड़ नहीं सकता है, बिल्कुल घट पड़ सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के आने ना आने के ऊपर है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो बहुत ये कट ऑफ काफ़ी कम हो जाती है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि पहली बार में ही सबका नाम उस लिस्ट में नहीं होता है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। पहली बार में एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी, और प्रोविजनल लिस्ट में सबके स्कोर्स, रैंक्स, कैटेगरी रैंक, ये सब होता है। और इस प्रोविजनल लिस्ट के बाद आती है फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में कुछ 100 के या इसको बोलें तो 150 के करीब लोग शामिल होंगे। इसमें से लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा, इसमें से कुछ लोग छोड़ेंगे, हो सकता है कुछ जगह बचें, तो फिर सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट में लगभग 50 लोग आ गए मान लीजिए, और सेकंड लिस्ट में मान लीजिए कुछ लोगों ने छोड़ा, तो एक थर्ड लिस्ट आती है, और थर्ड लिस्ट ये 25 तक, और हो सकता है कभी कभी फोर्थ लिस्ट आती है जो अमूमन 10 वक्त तक पहुंच जाती है। तो एक बार में नहीं, 1, 2, 3, 4, कई बार पहले बहुत बार 5-5 लिस्ट आ जाती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी चूंकि कहीं पे भी एडमिशन हो नहीं रहा है, और जो सबसे पहला अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय ही ऐसा जो विश्वविद्यालय है जहाँ पे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो भी एलएलबी ऑनर्स जैसे कोर्स की, तो सभी का ये जो मोटिव रहेगा कि हम विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लें, हम किसी अच्छे फैकल्टी में एडमिशन ले लें, तो बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए यहाँ पर आएंगे। और यदि आप इस स्कोर के बाहर हैं, यदि आप इस स्कोर के अंदर नहीं हैं, और आप विश्वविद्यालय से संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो जो विश्वविद्यालय से संबद्ध जो बेहतर कॉलेज हैं मैं उनके विषय में आपको बता सकता हूँ। और मैं आप सभी से भी निवेदन भी करूँगा कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी होने वाली कट ऑफ का, फाइनल कट ऑफ का और रिजल्ट का वेट करिए, जो कि पिछले सप्ताह आने की उम्मीद थी, पिछले सप्ताह नहीं आई है, तो अब उम्मीद है कि जो नया हफ्ता होगा अगला वाला, सोमवार से वाला, उसमें आने की उम्मीद है। तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का प्रवेश विश्वविद्यालय में सुनिश्चित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं, और जल्दी ही कोई नई अपडेट होगी तो मैं लेकर के आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद, प्रणाम।